नमस्कार। तो ये मध्य प्रदेश का राउंड वन का टेंटेटिव शेड्यूल आ गया है, और जैसे ही मैंने आपको पंजाब का भी शेयर किया था, एमसीसी को ये लोग फॉलो भी कर रहे हैं, जो एमसीसी की गाइडलाइन थी या नेट दैट की, वो 27 फरवरी से लेके 27 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक ही फर्स्ट राउंड होना चाहिए, लेकिन वही जो कि एक रेलिवेंट प्रैक्टिकल चेंजेस है। तो पहली सबसे पहली बात यह है कि अब मध्य प्रदेश का अभी तक जो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन था, जो कि दिसंबर एंड में स्टार्ट हो गया था, 21 जनवरी मतलब कि परसों तक वो एलिजिबल है, फ्राइडे तक। उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय एमपी डोमिसाइल। तो जैसा हमने कहा था कि एमपी डोमिसाइल स्टेट राउंड वन में क्लोज रहता है एमपी, और मैंने आपको एक बार बोला है कि प्रैक्टिकली हमेशा से ही क्लोज, हमेशा ही क्लोज स्टेट है। तो चॉइस लॉकिंग के लिए आपको 23 से 27 जनवरी तक का टाइम मिलेगा, अलॉटमेंट हो जाएगी बाय 31 जनवरी, रिपोर्ट करना है आपको अपने कॉलेज में 1 से 7 फरवरी तक, और उसी दौरान आप एडमिशन लेने के बाद अपने कैंडिडेट लॉगिन से अपग्रेडेशन के ऑप्शन भी मांग सकते हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, मध्य प्रदेश में बहुत खास बात की, अगर आपको राउंड वन में कोई भी सीट मिलती है और आप नहीं लेते हैं फिर तो आपने ले ली और अपग्रेड मांगा, नहीं लेते हैं तो आप काउंसलिंग से दीवार हो जाते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के अपनी लिस्ट डालिएगा जो कॉलेज आपको चाहिए हो, और ये भी हो सकता है कि आप गवर्नमेंट चाहते हैं, आपको फर्स्ट राउंड में प्राइवेट मिल गया तो आपको लेना पड़ेगा, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये शेड्यूल रहेगा। उसके बाद सेम एमसीसी को फॉलो करते हुए उन्होंने राउंड टू का भी दे दिया है फिलहाल शेड्यूल, एंड वो फरवरी तक चलेगा। तो बहुत सिंपल सा छोटा सा था, मैंने कहा आपको बता दूं। धन्यवाद।